हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, आज मेरा सेकंड डे है मथुरा में और मैं रेडी हो चुकी हूँ बाहर घूमने जाने के लिए। दोस्तों, हम लोग हैं रमन रेती में और हम लोग यहाँ पे आए हैं हिरण को कुछ खिलाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे हिरण है और मम्मी ने कुछ खरीद के हिरण को दिया है। अभी मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। यहाँ के जो हिरण है ना, बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। ये देखो ये बहुत अच्छे है। लोग इनको कुछ कुछ खिला रहे हैं। क्या खिलाई मम्मी वहाँ से खरीद के लेकर खिलाने के लिए? अच्छा, हम लोग भी खिलाएंगे। बहुत सुंदर है, मम्मी खिला रही है। निखिल क्या है, इधर दिखा, इधर दिखा। अरे वाह, ये देखो अपने हाथ से खिला सकते हैं। काट तो नहीं रहे ना? नहीं काटेंगे। हाथ से खा रहे हैं फूके। हाँ दोस्तों, ये देखो मेरे हाथ से कैसे खा रहे हैं। ये देखो फूके हाथ से खा रहे हैं, बिना सींग वाले। मैं भी खिलाऊंगी। मैं भी मस्त, बहुत सुंदर है, अच्छे लग रहे हैं। मम्मी खिला रही है, मेरे हाथ से खाए। बोलो राधे राधे, श्याम की राधे। राधे राधे, श्याम की राधे। हाँ बोलो राधे राधे, श्याम की राधे, जय हो। पर बहुत ज्यादा भीड़ है और लिखा गया है कि जेब कतरों से सावधान रहे। और मैंने अपने पर्स को दबोच के रखा है, कोई चाकर भी हाथ नहीं लगा सकता। दोस्तों, हम लोग थोड़ा पहले पहुंच गए हैं, इसीलिए अभी गेट बंद है। अंदर कृष्ण भगवान का शायद श्रृंगार हो रहा है, थोड़ी देर में ही पट खुलेगा, फिर हम लोग दर्शन करेंगे। और हम लोग जिस मंदिर में हैं, इसका नाम है रमन रेती मंदिर। बहुत सारे लोग श्री रमन बिहारी जी मंदिर भी बोलते हैं। यह मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ के आती है। इस मंदिर में सुबह शाम दोनों टाइम आरती होता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी होता है। आप देख सकते हो मैं कितनी पीछे हूँ, कैमरे में भगवान ठीक से नहीं दिख रहे हैं। यह मंदिर 12 से 4 बंद रहता है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे रेत है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण यहीं पे खेलने आते थे, इसी रेत पे खेलने आते थे। यहाँ पर नियम है कि सारे लोग बैठ के भगवान कृष्ण के लिए घर बनाएंगे, घर घर खेलेंगे। मम्मी बना रही है, यहाँ पर सारे लोग घर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मम्मी बना रही है, जिया बना रही है, निखिल बना रहे हैं। आ रही मम्मी, मम्मी बोले कि मुझे भी बनाने के लिए। निखिल घर बनाने आता है? बचपन में बहुत बनाया। मुझे नहीं आता। बनाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग घर बना रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए। ऐसी मान्यता है कि रेत में लोटपोट जो करता है उसके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। अगर आप घर बनाते हो तो आपका खुद का जो घर है वो बनता है, ऐसे लोग बोलते हैं। और यहाँ पर पुजारी लोग बताते हैं कि घर कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ किया जाता है। यहाँ पर बैठने से मन को शांति मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ से रेत अपने घर पे ले जाकर रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे लोटपोट हो रहे हैं। मैं भी नीचे बैठी थी जमीन पे और मैंने भी कृष्ण भगवान का एक छोटा सा घर बनाया और लिख भी दिया कृष्ण का घर। यहाँ पे घर टिक नहीं रहे क्योंकि बहुत सारे लोग बना रहे हैं, फिर उधर ही से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हम लोग आगे बढ़े हैं देखने के लिए कि यहाँ पर क्या है। मड़ई जैसा यहाँ पे कुछ बन रहा है, शायद साधु उधु के रहने का घर होगा। मैं भी अंदर चल के देखते हैं और पता करते हैं। यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब मन खुश हो गया है। लेकिन हम लोग थोड़े देर में ही यहाँ से निकलेंगे क्योंकि आज हमें गोकुल में ही 2-3 जगह और जाना है। यहाँ पर कुटिया बना हुआ है, मतलब पहले से जो कुटिया है वहाँ पे ऋषि मुनि रह चुके हैं, उनका नाम भी लिखा गया और कुटिया का नंबर भी लिखा गया है। और जो नया बन रहा है वहाँ पे ऋषि मुनि लोग रहेंगे। कुटिया काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक कुटिया जो है ना, घास फूस का बनता है।
बहुत सुंदर है कुटिया। मम्मी और जिया इस तरफ गया है लो, मालूम नहीं किधर घूम रहा है लो। आइए देख लेते हैं, इधर शायद कुछ हो, मंदिर वगैरह ही होगा। ये लोग फटफट भाग रहे हैं, तो मेरा तो थोड़ा भी वेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ है, भाग क्यों आए? यहाँ पे कुछ तो है पीछे के तरफ। वाह बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब ना मन अच्छा लग रहा है इधर आके, एकदम खुश हो गया, गदगद हो गया, बहुत सुकून मिल रहा है। हाँ तो मैं भी तो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मम्मी को लगा तो छूट जाएगी। मैं कहाँ छूट जाऊंगी, चलते हैं ना। दोस्तों यहाँ पर भंडारा की भी सुविधा है, हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए, प्रसाद और भंडारा दोनों चीज मिल रहा है। हमने सोचा कि खा के ही निकलेंगे और बहुत लंबी लाइन है, हमें लाइन से ही जाना होगा। इधर आप देख सकते हो बहुत तरह का कुटिया बना है, सारे लोग अपना प्रसाद ला के कुटिया में ही बैठ के खा रहे हैं। दोस्तों जब मैं अंदर आ रही थी ना, तो बाहर लिखा था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाला का नाम, ये बात सही है, तभी तो हम यहाँ तक आ गए। भगवान ने खींच के लाया और वो चाहते हैं, तभी तो हम सब कुछ देख पा रहे हैं, सुकून मिल रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। मेरी माँ मुझे बुला रही है कि चलो लाइन में तुम भी लगो और ले लो। हम लोग को प्रसाद रूपी चावल और आलू की जो सब्जी होती है वो मिली है, इसमें दाल भी मिक्स है वही है, और हम सारे लोग वही खा रहे हैं। पानी के लिए ग्लास मिला है, पानी भर के लाना होगा हम लोग को खुद, खा लेने के बाद इसको धो के खुद ही रखना होगा। और यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ये कुटिया जैसा बना है लेकिन अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन इसमें था खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सीट खाली ही नहीं था, सारे लोग बैठे हुए थे, इसलिए मैं बाहर आ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, तो चलिए खाना खा के मिलते हैं आपसे। दोस्तों हम लोगों ने प्रसाद खा लिया और पूरा घूम लिया, यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे रहे बड़े आराम से। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और चलिए दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं है। अभी यहाँ चप्पल ढूंढना बहुत बड़ा टास्क है, ये देखो कितने सारे लोग यहीं पे इकट्ठे हैं, सबके चप्पल इधर ही पड़े हैं। मेरा भी ढूंढ के निकालो।